यहाँ बैठे सभी दर्शक दलों का बुदबुदा झोपड़पट्टी में हार्दिक स्वागत। यहाँ के पाठुदा एवं उनके परिवार रहते हैं व्यस्त, इनके कारनामे भी हैं मस्त मस्त। करते हैं ये कुछ ऐसे काम जिसे सोच भी नहीं सकते आमिनता। आपका दिमाग बहुत गर्म है ना पापा, इसीलिए बोलते ना, इसीलिए हाथ तपड़ा पापा। तो क्या तुम्हारे लिए पूरा का पूरा घर जला दूँ? नहीं घर हाँ घर जला दीजिए, घर जला दीजिए और चादर भी दीजिए थोड़ा, और जलाइए घर जलाइए एकदम नालायक बेटा है मेरा। अच्छा जाओ कि सामने आग उजार दो। होली में ना अच्छा जला है अभी फेब्रुअरी है, अभी फेब्रुअरी में क्या होता है वैलेंटाइन वीक। अब तुम क्या बोलता है अभी अभी होली होगा। अरे चुपचाप बैठा हाथ साफ पापा पापा बोल, नींद आ रही है पापा सो जाए। चलो 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 अब सब सो जाते। दो घंटे बाद अरे आग नहीं कर रहा, लगता आग जल गया है। ध्यान रखे किसी भी हाथ जलते हुए नाक आग जलते हुए घर के अंदर जाने से पहले नाक को भीगे कपड़े अथवा रुमाल से जरूर ढक लें। घर के अंदर प्रथम आग व्यक्तियों को क्रॉलिंग मेथड द्वारा घर के बाहर ले जाया जा रहा है, जिसमें प्रथम आग व्यक्ति को पीछे से पकड़कर बाहर की ओर ले जाया जा रहा है। दूसरे आहत व्यक्ति को चद्दर के द्वारा बेहोशी अवस्था में दूसरी ओर सरका कर पुनः चद्दर में वापस लाकर आहत को बाहर की ओर सरकाते हुए निकालेंगे। तीसरे आहत व्यक्ति को कंधे के सहारे हाथों में रस्सी द्वारा बांधकर जल्द से जल्द हाथों को आपस में लॉक करके रूम के बाहर निकालने का कोशिश करेंगे। यह है सिंपल बैक लिफ्टिंग प्रोसेस। इस पद्धति में आहत को पीछे से उठाकर सामने की ओर खड़ा करेंगे तथा उसके बाद फायरमैन लिफ्ट एंड कैरी मेथड द्वारा आहत व्यक्ति को एम्बुलेंस तक पहुंचाएंगे। द्वितीय नी लॉकिंग एंड लिफ्टिंग प्रोसेस। इस पद्धति में आहत को एड़ी के सहारे उठाकर नी को लॉक करके आहत को एम्बुलेंस तक पहुंचाएंगे। तृतीय रोलिंग एंड लिफ्टिंग प्रोसेस। इस पद्धति में आहत को ऊपर उसके जांघों को उठाकर विपरीत दिशा में खींचकर आपस में रोल करके सामने की ओर खड़ा होंगे तथा आहत को जल्द से जल्द एम्बुलेंस तक ले जाएंगे। ध्यान रखें इस पद्धति का उपयोग हम तभी करेंगे जब हम अकेले हों तथा आहत व्यक्ति बेहोश हो। इस प्रकार हमारा फायरमैन लिफ्ट एंड कैरी मेथड का प्रदर्शन यही समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू रोबर्ट। स्काउट गाइड्स लेट्स गो।